नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने MBBS एवं दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर तबके EWS के लिए आरक्षण का प्रावधान किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर शुक्रवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह चुनावी राजनीतिक स्वार्थ के लिए लिया गया फैसला है। वहीं मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, देश में सरकारी मेडिकल कॉलेज की ऑल इंडिया की UG व PG सीटों में OBC कोटा की घोषणा काफी देर से उठाया गया कदम है। केंद्र सरकार अगर यह फैसला पहले ही समय से ले लेती तो इनको अब तक काफी लाभ हो जाता, किंतु अब लोगों को यह चुनावी राजनीतिक स्वार्थ हेतु लिया गया फैसला लगता है। उन्होंने आगे कहा कि वैसे BSP बहुत पहले से सरकारी नौकरी में SC ST व OBC कोटा के बैकलॉग पदों को भरने की मांग लगातार करती रही, किंतु केंद्र व UP सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें उन वर्गों को वास्तविक हित व कल्याण के प्रति लगातार उदासीन ही बनी हुई है। यह अति दुखद है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में विकास के लिए संकल्पित है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों को राज्य सरकार की उपलब्धियों के संबंध में पुस्तक दी गई। एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत स्थानीय शिल्पियों द्वारा निर्मित एक बैग में मुख्यमंत्री के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती पुस्तकें राज्य सरकार के लगभग 52 महीनों के कार्यकाल में जन कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों, उनके सफल क्रियान्वयन और उपलब्धियों को दर्शाती एक पुस्तक के अलावा एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के संबंध में प्रकाशित एक पुस्तिका भी। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार और संगठन दोनों की मंशा है कि सरकार की उपलब्धियों के साथ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और उनसे लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति पहुंचाने के लिए सांसदों, विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो। इसी दिशा में उनको उपलब्धियों की पुस्तिका भेंट की गई, जिससे वह उत्तर प्रदेश सरकार के अच्छे कार्यों को गांव-गांव के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सके। हाल ही में अनेक मौका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी सरकार की प्रशंसा की और विशेषकर कोविड काल में जनता के प्रति सेवा भाव को उन्हें एक उदाहरण बताया था। उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का एक और सशक्त प्रयास शुक्रवार से शुरू हो गया। 40,000 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 4.5 लाख महिलाएं संगठित होकर स्वरोजगार की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के साथ ही स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। राज्य के विभिन्न जिलों में बैंकिंग सखी, PDS दुकानों का संचालन, बिजली बिल वसूली तथा सामुदायिक शौचालय के संचालन में लगी महिलाओं से मुख्यमंत्री का यह संवाद करेंगे। बताया जा रहा कि 40,000 समूहों के खाते में रिवॉल्विंग फंड के रूप में प्रत्येक के खाते में 15,000 रुपए भेजे जाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राम के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। BJP सरकार ने एक 12 पन्नों का बुकलेट जारी किया है। उसके पहले पेज पर भगवान राम की तस्वीर लगी हुई है। तस्वीर को लेकर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने SP और कांग्रेस पर बड़ा पलटवार किया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि रामलला तो सबके हैं, रामलला से कांग्रेस और SP को क्या दिक्कत है। यह वही कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के फैसले के समय कपिल सिब्बल को वकील नियुक्त किया था, जिन्होंने कहा था कि फैसला विलंब से किया जाए, इसका 2019 के लोकसभा में फायदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह वही समाजवादी पार्टी है जिसने रामलला के भक्तों पर गोली चलवाई थी। रामलला आस्था का विषय है। उधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता MLC सुनील साजन ने कहा कि BJP राम के नाम पर राजनीतिकरण कर रही, राम के नाम का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रही, राम कण कण में है, रोम रोम में है, लेकिन BJP राम को हर चुनाव में अपने राजनीतिक फायदे के लिए आगे ले आती है।
उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरकरण एवं कल्याण एक्ट 2021 का मसौदा तैयार करने में जुटे राज्य विधि आयोग को ढेर सारे लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाने की सलाह दी है। मसौदे पर प्राप्त सुझावों के आधार पर आकलन करें तो बहुमत सख्त जनसंख्या कानून के पक्ष में खरा दिखाई देता। बड़ी संख्या में लोगों ने आयोग के प्रस्तावों से भी ज्यादा सख्त प्रावधानों की जरूरत बताई है। आयोग ने प्रस्तावित मसौदे में वन चाइल्ड पॉलिसी को ज्यादा प्रोत्साहित करते तथा दो से ज्यादा बच्चों वाले माता पिता को कतिपय सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान किया है। आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मसौदे पर लगभग 8500 सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 300 के करीब कानून के विरोध में हैं, 8000 से ज्यादा सुझाव जनसंख्या कानून के पक्ष में हैं, जिसमें ऐसे सुझावों की संख्या ज्यादा है जो ज्यादा सख्त कानून के पक्ष में है। बहुत से लोग चाहते हैं कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर आरक्षण से वंचित कर दिया जाए। इसी तरह कई लोगों से दो से ज्यादा बच्चों के माता पिता को ही मताधिकार से ही वंचित किए जाने का सुझाव दिया है। 5 अगस्त को अन्न महोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन सरकारी राशन की दुकान पर मौजूद लाभार्थी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। इस दिन से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनाज वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए खाद्य व रसद विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी ने जिलाधिकारियों, प्रबंधन निदेशक, राज्य खाद्य व आवश्यक वस्तु निगम, संभागीय खाद्य नियंत्रक और जिला पूर्ति अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए। अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने कहा कि अन्य महोत्सव के लिए वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, शाहजहांपुर, कौशाम्बी, आगरा और बहराइच की चयनित उचित दर दुकानों पर उपस्थित लाभार्थियों से प्रधानमंत्री बात करेंगे। योजना के तहत अनाज वितरण के लिए आवंटित खाद्यान्न की उठान प्रत्येक दशा में 31 जुलाई तक सुनिश्चित की जाएगी। अपर आयुक्त ने बताया कि अन्न महोत्सव के दिन हर दुकान पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कम से कम 100 लाभार्थियों की उपस्थिति होगी। इनमें कुछ ऐसे लाभार्थी भी होंगे जो पहली बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन प्राप्त कर रहे हैं। हर दुकान पर टेलीविजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त सूचना विभाग की ओर से जिलों के योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए थैले भेजे जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में करीब 3 महीने बाद शुक्रवार से आईनॉक्स व पीवीआर मल्टीप्लेक्स खुल जाएंगे। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन के तहत 50% दर्शकों की एंट्री होगी। पहले दिन हॉलीवुड फिल्म मोर्टल कॉम्बेट से शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश सिनेमा एग्जीबिटर फेडरेशन के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने गुरुवार को बताया कि पहले जो सामान्य टिकट 200-250 में मिलता था, मल्टीप्लेक्स मालिकों ने अब 80-120 रुपए में बेचने का फैसला लिया। वहीं रिक्लाइनर क्लास के 350-400 रुपए का टिकट मिलता था, उसे 180-200 रुपए में मिलेगा। उन्होंने बताया कि पहला शो सुबह 10:30 बजे और अंतिम शो शाम 6:30 बजे से रात 8:30 बजे तक चलेगा। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड की कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होगी, हॉलीवुड और कुछ पुरानी हिंदी फिल्म ही लगेगी। उन्होंने बताया कि अक्षय कुमार की फिल्म की तारीख 13 अगस्त से 27 अगस्त हो गई है। यदि कोरोना संक्रमण बढ़ गया तो तारीख आगे बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण 30 अप्रैल से सिनेमाघर व मल्टीप्लेक्स बंद हो गए थे। वहीं पीवीआर सिनेमा के एरिया मैनेजर पवन सिंह ने बताया कि हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज सिर्फ मल्टीप्लेक्स में ही नहीं सिंगल स्क्रीन में भी अच्छा बिजनेस करती है, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजीज हमेशा हिट रही है। दी कंजूरिंग भी हॉरर मूवी है, इसका भी मल्टीप्लेक्स में एक खास दर्शक वर्ग है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध में 10 अगस्त को देश भर के 15 लाख बिजली कर्मी कार्य बहिष्कार करेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने गुरुवार को विद्युत प्रशिक्षण संस्था हाइजिल कॉलोनी में प्रांतीय सम्मेलन में यह निर्णय हुआ। बिजली कर्मचारियों ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 रद्द करने के लिए सरकार को 9 अगस्त तक का समय दिया है।
संघर्ष समिति के प्रमुख पदाधिकारियों शैलेंद्र दुबे, भारत सिंह, जयप्रकाश चंद्रशेखर चौरसिया आदि ने बताया कि केंद्र ने संसद के मानसून सत्र में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 संसद में रखने और पारित करने का ऐलान किया है। निजीकरण को लाए जा रहे इस बिल के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया गया। प्रांतीय सम्मेलन में पदाधिकारियों ने कहा कि बिजली कानून में व्यापक बदलाव करने वाले इस बिल को सांसद की बिजली मामलों में स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में उत्पादन का लाइसेंस समाप्त कर बड़े पैमाने पर बिजली उत्पाद का निजीकरण किया गया, जिससे जनता को महंगी बिजली की मार झेलनी पड़ रही। अब इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के जरिए बिजली वितरण का लाइसेंस लेने की शर्त समाप्त की जा रही, जिससे बिजली वितरण के संपूर्ण निजीकरण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस बिल में प्राविधान है कि किसी भी क्षेत्र में एक से अधिक बिजली कंपनियां बिना लाइसेंस लिए कार्य कर सकेंगी और बिजली वितरण हेतु या निजी कंपनियां सरकार वितरण कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क इस्तेमाल करेगी। प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता इंजीनियर चंद्रशेखर चौरसिया एवं संचालन राजेंद्र सिंह ने किया। फतेहपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जज पॉस्को एक्ट मोहम्मद अहमद खान गुरुवार को एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए, जहां कौसंबी के कोखराज क्षेत्र के चकवान गांव के पास इनकी कार में इनोवा ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में उनका गनर घायल हो गया और एडीजी के कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एडीजी ने कोखराज थाने में हत्या के प्रयास की तहरीर दी है। उनका कहना है कि सड़क हादसे के जरिए उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा वह कार में जिस तरफ बैठे थे उसी तरफ कई बार टक्कर मारी गई। एडीजी मोहम्मद खान ने तहरीर में लिखा है कि बरेली में दिसंबर 2020 में एक मुस्लिम युवक की जमानत खारिज करने के दौरान उन्हें जान से मार देने की धमकी मिली थी। वह युवक कौसंबी का ही रहने वाला है। पुलिस ने इनोवा बरामद कर ड्राइवर को पकड़ लिया है। कार चालक से पूछताछ की जा रही। एडीजी गुरुवार को किसी काम से प्रयागराज आए थे, वह कार से फतेहपुर लौट रहे थे, तभी कोखराज में यह घटना घटित हुई। स्पेशल जज ने इसे साजिश बताया। तहरीर में उन्होंने कहा कि कार में जिस तरीके से टक्कर मारी गई वह जान लेने की कोशिश है। वह कुछ साल पहले इलाहाबाद जिला न्यायालय में एसजीएम में थे। स्पेशल जज के साथ हुई इस घटना से परिवार वाले परेशान हैं। कोखराज पुलिस मामले की जांच कर रही। इंस्पेक्टर कोखराज ज्ञान सिंह यादव का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही, लेकिन बीते 24 घंटों में जिला गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक 8 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सबसे अधिक हैं।